दोस्तों बंटी और बबली ये जो फिल्म है इसका सीक्वल आने वाला था अप्रैल 23, 2021 को। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म पोस्टपोन्ड हो चुकी है इस पर लेटेस्ट अपडेट, और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव की वजह से ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई है। इसके पहले मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ये बताया था कि हाथी मेरे साथी जो फिल्म आने वाली है हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन में वो पोस्टपोन्ड हो रही है, और अब बंटी और बबली टू भी पोस्टपोन्ड होगी। ये खबर ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन सूत्रों द्वारा आ रही है, जिस पर मुझे काफी हद तक यकीन है। और इससे बड़ी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूर्यवंशी का क्या, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अजय देवगन की फिल्म सूर्यवंशी का क्या होगा। फिलहाल सिनारियो ऐसा है कि 26 मार्च की फिल्म पोस्टपोन्ड हो गई है, 23 अप्रैल की फिल्म बंटी बबली टू भी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो ये जो मिड बजट या लो बजट फिल्में जब पोस्टपोन्ड हो रही है, तो बड़ी फिल्म सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्म क्या पोस्टपोन्ड नहीं होगी, ये सवाल जरूर आपके मन में होगा। तो मुझे ऐसा लगा इस करंट सिनारियो में पोस्टपोन्ड होने के चांसेस 99% बढ़ चुके हैं। इसके लिए मैं दो और ऑप्शंस या रीजंस भी देने वाला हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र में केस है, जिले में लॉकडाउन या लिमिटेड लॉकडाउन चालू है। कल बीड में भी, बीड जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 26 तारीख से शायद लॉकडाउन लगाया है और अप्रैल के 3 या 4 तारीख तक लग चुका है कंप्लीट लॉकडाउन। वहीं मध्य प्रदेश में कल जो है लॉकडाउन नहीं लगा है लेकिन थिएटर्स को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, बुधवार कल था, कल थिएटर्स बंद हो चुके हैं 24 मार्च से, और कब खुलेंगे ये बिल्कुल पता नहीं है। और अक्टूबर महीने में थिएटर खुले थे तो वो अक्टूबर महीने के बाद करीबन 5 से 6 महीने बाद वापस से थिएटर बंद हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और 4 से 5 जो बड़े बड़े शहर है मध्य प्रदेश में वहां पर थिएटर्स पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर खतरा बहुत ज्यादा है, थिएटर्स कब खुलेंगे ये भी नहीं पता है। तो ऐसे में सूर्यवंशी का आना अब कहीं ना कहीं एक ख्वाब बन के रह जाएगा, ऐसा डर लगा। दोस्तों मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, लेकिन सिचुएशंस बताना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि सूर्यवंशी 30 अप्रैल को आए, लेकिन फिलहाल खतरे को देखते हुए ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है।